सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आया है ग्राउंड क्लियरेंस में। पहले जहाँ आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था ना, अब सीधे आपको मिलने वाला है 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। फाइनली आ गए रियर प्रोफाइल की ओर। यहाँ पर आप चेकआउट करो ओल्ड वर्सेस न्यू 3W के कंपैरिजन में, फॉर श्योर आपको अंदर बैठने का प्रीमियमनेस फील होने वाली है अपनी 3XO में। बट वहीं अगर हम चलते हैं 3XO की ओर, सबसे पहले तो दो बड़े चेंजेस है। रियर AC वैंड पैसेंजर्स को प्रोवाइड करा जाता है, नीचे आप देखोगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूं, बिकॉज अभी तक आपने रिसेंटली किसी की भी ये कंपैरिजन वीडियो देखी नहीं होगी। बिकॉज यहां पर है लेफ्ट में हमारी महिंद्रा XUV 300 और फाइनली राइट साइड है हमारी महिंद्रा XUV 3XO जो कि रिसेंटली महिंद्रा ने लॉन्च करी है, जिसे 300 का फेसलिफ्ट वेरियंट बोला जा रहा है। तो अब देखेंगे कि यार पुराने वेरियंट से नए वेरियंट में महिंद्रा ने क्या कुछ अपग्रेडेशन करे लुक्स में, फीचर्स में, प्राइसिंग में। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, पुरानी जो थी वो आती थी W2, W4, W6, W8 ऑप्शनल ड्यूल टोन ऐसे वेरिएंट्स के साथ, और नई वाली आपको मिलती है MX1, MX2, MX3 प्रो वेरिएंट्स के साथ, साथ ही में AX5, AX7 लग्जरी वेरिएंट, ड्यूल टोन, ऑटोमेटिक जैसे ऑप्शंस है। बट ये जो मॉडल हमारे सामने खड़ा है ना, ये है W6 जिसकी एक्सशोरूम प्राइस आती थी 10 लाख रुपए, और ये है M3 वेरिएंट जिसकी एक्सशोरूम प्राइस है 9,50,000 रुपए। अब M3 का प्रो वेरिएंट भी आता है जिसकी 10 लाख रुपए प्राइस है, वो हालांकि यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं था, बट 50,000 इसकी प्राइस कम है। फिर भी आज हम जानने वाले हैं क्या कुछ फीचर्स में आपको ज्यादा अपग्रेडेशन मिलते हैं, सारी बातें आज डिटेल में करने वाले हैं। कैसे लग रहे हैं नई कार के लुक एक बार कॉमेंट में जरूर बताना, और सिर्फ आपके लिए मैं कंपेरिजन वीडियो लेकर आया हूँ, तो गाइज प्लीज एंड तक जरूर देखना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले दोनों ही कीज से स्टार्ट करते हैं। दोनों में ही आपको सेम कीज मिलने वाली है, बिकॉज 300 में कंपनी ने जब इसकी बैजिंग चेंज करी थी ना, तो सेम आपको जो थार में, 700 में, स्कॉर्पियो एंड में फ्लिप कीज आती है न्यू महिंद्रा की बैजिंग के साथ, वही आपको मिलने वाली है लॉक अनलॉक फीचर्स के साथ। बट सबसे पहले तो मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। पुरानी अगर गाड़ी की बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने W6 वेरिएंट में आप 10 लाख रुपए एक्सशोरूम पे करने के बाद भी आपको सादी सी हेलोजन लाइट मिलती थी टर्न सिग्नल्स के साथ, ना ही आपको यहाँ पर फॉग लैम्प मिलते थे, ना ही DRL मिलते थे। तो कहीं ना कहीं इतने पैसे देने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग लगती थी। साथ में फ्रंट ग्रिल की ओर आते हैं, कुछ इस टाइप की आपको क्रोम ग्रिल मिलती थी महिंद्रा की बैजिंग के साथ, बाकी फ्रंट में ना ही कोई पार्किंग सेंसर्स, ना ही कोई ऐसा खास फीचर्स देखने को मिलते थे, बेसिक से यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल आती थी। बट अब फाइनली बढ़ते हैं हमारी ऑल न्यू 3XO की ओर। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, फ्रंट से देखने के बाद ही एक अपलिफ्टेड वेरिएंट लगता है, काफ़ी एडवांस लुक आपको देखने को मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पर जो एक ब्लैक ग्रिल दे दी है ना, उसके कारण आप देखो कितनी फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर कार लग रही है। यहाँ पर गाइज आप चेकआउट करो, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल रहे हैं, हालांकि ये येलो बीम के साथ मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर LED DRLs मिल जाते हैं, नीचे टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, तो कुछ इस टाइप की फीचर ओरिएंटेड हेडलैम्प यूनिट आपको MX3 वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर भी आप इंसर्ट्स देख सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश में काफ़ी हद तक महिंद्रा ने इंप्रूवमेंट करा है। बाकी इस वेरिएंट में आप देखोगे ना, हालांकि ये मैं नीचे वाला ही वेरिएंट आपके लिए लेकर आया हूँ, MX3 प्रो देखोगे इसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो जाते हैं। और जहाँ AX5 की बात आती है ना, तो आपको जो पहले टॉप वेरिएंट में भी फीचर्स नहीं मिलते थे ना, उससे ज़्यादा तो आपको AX5 में मिल जाते हैं। साथ ही में बेस मॉडल MX1 से आपको 6 एयरबैग्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स भी मिलने वाले हैं। तो महिंद्रा ने इस बार सेफ्टी पर काफ़ी अच्छा वर्क करा है। अब देखो फ्रंट लुक्स तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब फाइनली बढ़ते हैं दोनों के इंजन की ओर। यहाँ पर आप देखोगे तो 1.2 लीटर का एम स्टैलियन इंजन तो आपको मिलता ही था पेट्रोल में, बट ये आपको प्रोड्यूस करके देता था 108.6 BHP की पावर एंड 200 NM का टॉर्क। बट वही नए इंजन की ओर आते हैं ना, यहाँ पर देखो इंजन तो हालांकि सेम है, बट जो आपको पावर स्पेक्स है ना, वो अराउंड 110 BHP मिल जाते हैं, और जो आपका टॉर्क है वो 200 NM का सेम रहने वाला है। बाकी पुरानी वाली में भी इंसुलेशन मिलता था, यहाँ पर भी प्रॉपर इंसुलेशन मिलता था। तो 3-सिलेंडर इंजन काफ़ी टॉर्की आपको फील होने वाला है 200 NM टॉर्क के कारण। जब भी आप इस 1.2 लीटर के इंजन को चलाओगे ना, काफ़ी मज़ा आएगा, भले ही आप पेट्रोल चला लो या डीजल चला लो। और डीजल की बात करें ना, तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल डीजल इंजन रहने वाला है, जो कि 300 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। बढ़ते हैं दोनों की साइड प्रोफाइल की ओर। पहले तो मैं यहाँ से आपको ओल्ड वाली साइड प्रोफाइल बता देता हूँ। गाइज इतनी धूप में शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और नए व्यूअर्स जो आए ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब इसकी अगर आप लेंथ देखोगे ना, दोनों ही गाड़ियाँ 4 मीटर के अंदर आती है, बिकॉज एक सब कॉम्पैक्ट ऐसी हुई है। इसकी जो लेंथ है ना 3995 mm की थी, बट नई वाली की 5 mm कम कर दी है, बट उससे ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे यही लगता था कि यार आप W6 वेरिएंट भी ले रहे हो तो भी आपको बॉडी पे टर्न सिग्नल्स इसके मिलते थे, जो कि एक बेस मॉडल वाला फील देते थे। बट नई वाली आप देखोगे ना, आपको पियानो ब्लैक यहाँ पर मिरर्स मिल रहे हैं, ORVM, साथ ही में यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं, ज्यादा गुड लुकिंग लगते हैं, बिकॉज यहाँ पर इंडिकेटर्स आते हैं ना, तो यार वो एक बेस मॉडल वाला फील देती है। और अगर इसके लुक्स में आपको एक बार साइड से दिखा दूं, तो 3990 mm की इसकी आपको लेंथ मिलने वाली है। टायर साइज की बात करें ना, तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पहले आपको फ्रंट में डिस्क मिलते थे, रियर में ड्रम मिलते थे, बट इसमें
आपको बेस मॉडल से चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक बढ़िया फीचर है। अब टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले आपको मिलते थे 205/65 R16 inches के व्हील, यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की व्हील कैप्स के साथ। सेम टायर साइज आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है, बट अपर वेरियंट में आपको 17 inches का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ लगी। सस्पेंशन में कोई भी चेंज नहीं है। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आया है ग्राउंड क्लियरेंस में। पहले जहाँ आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था ना, अब सीधे आपको मिलने वाला है 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत बढ़िया कर दिया है। तो स्पेशली आप किसी भी टेरेन पे आप ले जाओ, ये गाड़ी से टकराने जैसा इशू नहीं आने वाला है। वैसे तो पुरानी वाली से भी नहीं आता था, बट 201 mm है तो आप 20 जगह कहीं भी ले जा सकते हो। साथ ही में एक और चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्लैडिंग यहाँ पर आपको बेसिक से मिलती थी, व्हाइट कलर पर आप चेकआउट कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको थोड़ी बोल्ड क्लैडिंग देखने को मिलने वाली, थोड़े नए शेप में, जो कि ज़्यादा बेटर यहाँ पर लग रही है, ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। अब गाइस फाइनली आ गए रियर प्रोफाइल की ओर, यहाँ पर आप चेकआउट करो ओल्ड वर्सेस न्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पुरानी वाली में बेसिक से आपको यहाँ पर टेल लैम्प मिल जाती थी, जो कि बहुत ही बेसिक लगती थी, और कंपटीटर्स को देखे, अगर नेक्सॉन को देखे, सोनेट को देखे ना, तो कहीं ना कहीं आउटडेटेड फील कराती थी। ब्रिजा के भी आप रियर लुक से कंपेयर कर लेते हो तो XUV300 बहुत ही आउटडेटेड लगती थी, बट अगर आप 3XO की बात करें ना, तो सच में अब ऐसा लुक दिया है ना कि ये मार्केट में गेम चेंज करने वाली है। आप खुद चेकआउट कर सकते हो, फुल LED आपको यहाँ पर टेल लैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, पूरी कनेक्टेड। हालांकि इस वाले वेरिएंट में कनेक्टेड ग्लो नहीं करेगी, बट अपर वेरिएंट्स आप लोगे तो उसमें पूरी कनेक्टेड मिलने वाली है। साथ ही में ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना तो मिल ही जाता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट भी मिलती है। हालांकि रियर वाइपर डिफॉगर दोनों ही मॉडल में नहीं आते इसमें, बट आपको मैं बता देता हूँ, 300 की बैजिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। बट पुरानी वाली में ना बूट स्पेस बहुत ज़्यादा कम मिलती थी, मेरे ख्याल से कितनी मिलती एग्जैक्टली पता नहीं है, बट नई वाली की मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस से रिलेटेड शिकायत आती थी ना, अब आपको नहीं आने वाली, बिकॉज कंपनी ने आपको काफ़ी बड़ी 364 लीटर्स की बूट स्पेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। कैरी बैग होल्डर्स भी मिल जाते हैं दोनों साइड, 60-40 स्प्लिट सीट आपकी रहने वाली है। और हालांकि आप देख लो, अभी मैं 50,000 कम वाला वेरियंट आपके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जबकि नया मॉडल आया है, इतने सारे फीचर्स दे दिए, तो कंपनी ने कहीं ना कहीं प्राइस भी इंक्रीज करी होगी। अब इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये देखो यार, मेरे पास W6 वेरियंट यहाँ पर अवेलेबल था, नहीं तो ऐसा कोई वेरियंट ये वाला लाना, ये कोई ऐसी चॉइस थी। बट इंटीरियर में जल्दी से चलते हैं, पुराने इसमें आपको क्या मिलता था, डोर चेकआउट कर लो, कुछ इस टाइप से ड्यूअल टोन में डोर मिलते थे, इनर डोर हैंडल्स आप देख सकते हो, स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते थे, ट्विटर्स मिलते थे, चारों पावर विंडो कंट्रोल, पावर विंडो लॉक, साथ ही में ORVM एडजस्टेबल कंट्रोल्स मिल जाते थे, 1 लीटर का बेवरेज होल्डर मिलता था, और कुछ इस टाइप का इंटीरियर रहता था, जिसमें मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। सो गाइस इंटीरियर आप चेकआउट कर लो, कुछ इस टाइप का W6 का इंटीरियर रहता था, जो एक्स शोरूम आपको 1,00,000 रुपये की मिलती थी। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स अब भी आप यहाँ पर चेकआउट कर लो, काफ़ी लाइट स्टेयरिंग मिलता था, अभी नई वाली से भी कंपेयर करेंगे। बट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ इस टाइप का आपको कंसोल मिलता था, यहाँ पर RPM शो हो रहा है, यहाँ पर स्पीड शो हो रही है, सेंटर में MID मिलती थी, जिसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल लेफ्ट, गियर इंडिकेशन, टाइम, जो कि नीडेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देती थी। साथ ही में सेंटर की ओर आएंगे तो W6 वेरियंट लेने के बावजूद भी आपको इसमें कोई भी फीचर्स नहीं मिलते थे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो भूल जाओ, टच स्क्रीन तक नहीं मिलता था। बेसिक से आपको यहाँ पर मिलता था, जिसमें आपको कॉल पिकअप एंड एंड जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आपको USB कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर आपकी USB वगैरह का ऑक्स कनेक्ट कर सकते हो, बाकी कुछ इस टाइप का बेसिक मिलता था। फ्रंट इंटीरियर भी चेकआउट कर सकते हो, हालांकि कूलिंग तो बहुत बढ़िया ही थी इसकी, हैजार्ड लैम्प, टेम्परेचर कंट्रोल्स, और नीचे आपको ACA कंट्रोल्स मिल जाते थे। बट सबसे बढ़िया बात यह है कि पहले से XUV300 के पेट्रोल मॉडल में भी आपको कंपनी 6 गियर प्रोवाइड करती थी, तो कहीं ना कहीं पावर के साथ माइलेज भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ लगती थी। बाकी यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट मिल जाता था, और फ्रंट इंटीरियर आप देख लो कुछ इस टाइप का मिलता था। बट अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं 3XO की ओर। तो यार इतनी धूप में शूट कर रहा हूँ ना, तो मेरा आईफोन भी इतना गर्म हो चुका है, टेम्परेचर ओवरहीट का भी इंडिकेशन आ गया था। बाकी यहाँ पर डोर पर आप देख सकते हो, सेम आपको टोन मिलने वाली है, यहाँ पर स्पीकर्स, ट्विटर्स, बट यहाँ पर आप देख सकते हो चारों पावर विंडो कंट्रोल पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में दे दिए, जो कि ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। ORVM कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर, इस टाइप के इंसर्ट्स रहने वाले। अपर वेरियंट आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इंटीरियर की ओर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की अपोल्स्ट्री में सीट मिल जाती है, और अंदर बैठ के इसके फीचर्स भी एक्सप्लोर करते हैं। सो इंटीरियर में यहाँ पर आ चुका हूँ MX3 वेरियंट के। सबसे पहले आप देखोगे ना, स्टेयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी लाइट है यहाँ पर, इससे ज़्यादा प्राइस लेके भी W6 में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता था, जो अब महिंद्रा आपको MX3 वेरियंट से दे रही है अपने 3XO में। कंसोल आप अगर यहाँ पर देखोगे ना, तो कुछ इस टाइप के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं आपको जूम करके बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो RPM मीटर, आपको सेम यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलने वाला है, और सेंटर में एक MID मिल जाती है, बट आपको शेप में थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल रही होगी। इंटीरियर देखोगे ना, तो ज्यादा ही बेटर प्रीमियम फील आने वाली है, बिकॉज AC वेंट्स की डिजाइन चेंज कर दी है। साथ ही में यहाँ पर आप देखोगे तो पियानो ब्लैक इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि ज्यादा अपीलिंग लग रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, उसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं मिलता था, बट 50,000 रुपये कम वाले वेरियंट में महिंद्रा ने इसमें आपको 10.25 inches का फुल्ली टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है। और गाइस अगर आप अपर वेरियंट लोगे ना, तो उसमें आपको एडास
लेवल 2 जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, फ्रंट में कैमरा, रियर में कैमरा, तो ओवरऑल जो है ना 700 वाले फीचर्स कंपनी ने इसमें डाल दिए। टच रिस्पॉन्स की बात करें ना, तो टच रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है इसमें। आपको फोन, मीडिया, सेटिंग्स, रेडियो, साउंड्स, ओनर्स मैनुअल भी आप यहां पर देख सकते हो। नीचे की ओर आएंगे तो सेम आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है इस मॉडल में, एसी और सारी सेटिंग्स मिल जाती है नीचे आपको देखोगे तो। हालांकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, मैनुअल अभी अवेलेबल नहीं था, बट आपको यहाँ पर यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग तक महिंद्रा ने दे दी है, मतलब देखो यार कहीं ना कहीं ये थर्ड बेस वेरिएंट है, फिर भी आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ी सी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, साथ ही में कुछ इस टाइप का इसका सेंटर कंसोल रहने वाला है। 3W के कंपैरिजन में फॉर श्योर आपको अंदर बैठने का प्रीमियमनेस फील होने वाली है अपनी 3XO में। साथ ही में ग्लव बॉक्स वगैरह में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। साथ ही में इसका सनग्लास होल्डर, सनरूफ आपको इस मॉडल में भी मिलता था, W6 में भी मिलता था, तो कुछ इस टाइप का रहने वाला है इसका फ्रंट इंटीरियर। अब जल्दी से आपको मैं इसके रियर रो भी चेकआउट करा देता हूँ। कुछ इस टाइप से इसकी सीट मिलती थी, रियर एसी वेंट्स जैसे कोई भी फीचर्स नहीं मिलते थे। साथ ही में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता था, बट वहीं अगर हम चलते हैं 3XO की ओर, सबसे पहले तो दो बड़े चेंजेस है। रियर एसी वेंट पैसेंजर्स को प्रोवाइड करा जाता है। नीचे आप देखोगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, साथ ही में फास्ट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से सीट रहने वाली है। एयरबैग्स का इंडिकेशन आप देख सकते हो, बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिलते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही में यहाँ पर आपको केबिन लाइट्स मिल जाती है, केबिन लाइट जो इसमें मिलती है सेम आपको इसमें भी मिलने वाली है। तो दो बड़े डिफरेंस ये है कि सेंटर कंसोल में आपको एक तो एसी ज़्यादा मिल जाता है और चार्जिंग आउटलेट्स मिल जाते हैं। तो गाइस देखो ओवरऑल तो सारे स्पेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, जहाँ पर वर्डिक की बात आती है ना, फॉर श्योर ये अपडेट बनता था, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आती थी ना, नेक्सॉन की बात कर ले, ब्रीजा की बात कर ले, सोनेट की बात कर ले, वेन्यू की बात कर ले, सभी ज़्यादा फीचर ओरिएंटेड हो चुकी थी। और जहाँ पर स्पेशली नेक्सॉन की बात आती है ना, नेक्सॉन का सेल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बिकॉज काफी टाइम से इसमें अपग्रेड नहीं आ रहा था। बट जब से अब महिंद्रा ने 3XO लॉन्च कर दी है ना, फुटफॉल भी महिंद्रा पे नेक्स्ट लेवल हो गया है, मतलब काफी ज्यादा डिमांड में गाड़ी आ चुकी है, बेस मॉडल से टॉप तक भर भर के फीचर्स दिए। नए साल में एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, पेट्रोल चॉइस है या डीजल चॉइस है, तो फॉर श्योर आप एक्सयूवी 3XO के लिए जा सकते हो। कैसी लगी गाइस ये कंपैरिजन वीडियो एक बार कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो के थ्रू चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।